हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, भी ट्रेलर देखा सलार मूवी का। इसे देखकर जो भी अच्छा बुरा एक्सपीरियंस है ना इस ट्रेलर के साथ, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट देखना, क्योंकि जो मैं कुछ कहने वाला हूँ ना, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बहुत ज़्यादा गलत लगे, कमेंट बहुत गलत बोल जाए। हो सकता है कुछ ऐसे जने भी हों जिनको लगे कहीं ना कहीं मेरी बात सही है। अगर वो मेरे जैसे फैन है ना तो उनको मेरी बात जरूर सही लगेगी। देखो, इनके डायरेक्टर वही हैं प्रशांत नील साहब, जिनको हम केजी को जैसे जानते हैं कि उन्होंने केजीएफ बनाई, KGF 2 बनाई, जो एक मास्टरपीस मूवी थी। जब KGF 1 आई थी ना तब भी मैंने एक रिकॉर्ड बन गया था, क्योंकि रॉकी भाई से हम अट्रैक्ट हो गए थे। अब ये सलार लेकर आए, इसका जब फर्स्ट लुक पोस्टर आया तो लोगों ने कहा था बवाल है भाई। एक छोटा सा ग्लिम टीजर आया था तो सब लोगों ने बोला भाई बवाल है। लेकिन आज ट्रेलर रिलीज हुआ ना तो ट्रेलर से ऐसे लगता, शुरुआत करते दो दोस्तों कहानी दिखा के थी, बाद में ऐसे लग रहा था KGF का सेट है। टोटल टू टोटल सेम वैसा, कुछ भी अलग नहीं। फिर एंट्री होती है, जैसे हम देखते हैं पृथ्वीराज सर की, इसके अलावा जगतपति बाबू हैं और भी बहुत सारे कलाकार हैं। लेकिन एक कहानी ऐसी लगती है दोस्ती की, बाद में पता लगा कोई साम्राज्य है, बाद में पुलिस की आर्मी आ जाती है, बाद में एंट्री होती है हमारे हीरो यानी कि प्रभास की, जो उन्हें गजब एक्शन कर रहे हैं। इस ट्रेलर के आधार पर मुझे ये फिल्म ने एक सिंपल सी लगी, यानी मुझे वो वाइब नहीं लग सकी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि फिल्म फ्लॉप होगी। हिंदी बेल्ट में ये मूवी 300 से 400 करोड़ कमाएगी, एक मतलब लिखकर ले लो, और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 1000 करोड़ कमाएगी। और पहले दिन तेलुगु स्टेट से, यानी हैदराबाद यानी तेलुगु स्टेट ना सारा, वहां से ये मूवी 100 से लेकर 150 करोड़ कमाएगी। क्योंकि प्रभास सर है ना, उनके लिए एक भगवान है, और वैसे मतलब लगता है मेरे को भी है, ये मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन ये ट्रेलर मुझे ना वो अट्रैक्शन नहीं दिला सका जितने मैंने इस ट्रेलर के लिए सोचा था। यानी ट्रेलर बेकार भी नहीं बोलूंगा, लेकिन कहते कोई हम चीज देखकर खुश हो जाते हैं कि यार भाई मजा आ गया देखकर, वैसा यार मुझे फील इस ट्रेलर के साथ नहीं लगा। तो अगर आपको मेरी बात गलत लगी हो तो भाई देखो, अगर आप प्रभास सर के फैन हो ना और मेरी बात गलत लगे तो मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। एज ए रिव्यूअर, जो मुझे सही लगा जैसा मेरा मन किया वो मैंने बताया कि भाई मुझे ट्रेलर अच्छा था, लेकिन वो वाइब नहीं मिल सकी जो मैंने ट्रेलर के लिए सोच रखी थी कि भाई एकदम मास्टरपीस ट्रेलर होगा, मजा आ जाएगा देखकर। तो भाई इसके लिए छोटी सी जो रिव्यू था वो मैंने आपको मैं चैनल में बता दिया। आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार आए हो प्लीज चैनल को सपोर्ट देनी, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर बताना आपको मेरी बात कितनी सही लगी और ट्रेलर कैसा लगा। मिलता है अगली वीडियो में ऐसी एक और मूवी ट्रेलर का रिव्यू लेकर।